भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 300 का आंकड़ा पार करके लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत हासिल कर ली है। एनडीए 350 के आंकड़े के पास है तो वहीं कांग्रेस फिर से 50 के आंकड़े तक ही पहुंच पाई है। अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद लिया। आडवाणी से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी और शाह ने मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचकर उनसे भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को शपथ ले सकते हैं और शपथ ग्रहण शाम 4 से 5 बजे के बीच हो सकता है। पीएम मोदी शपथ लेने से पहले गुजरात भी जा सकते हैं और अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लेने गांधीनगर भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यह प्रचंड जीत हासिल हुई है और इसी पर पीएम मोदी और अमित शाह ने आडवाणी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके इस जीत का आशीर्वाद लिया है। साथ ही आपको बता दें कि 30 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी शपथ लेने से पहले गुजरात भी जा सकते हैं। आपको बता रहे पीएम मोदी और अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की उनके घर जाकर और इस मुलाकात के दौरान इस प्रचंड जीत का आशीर्वाद लिया। 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान जीत का आशीर्वाद दोनों ने ही उनसे लिया और साथ ही 30 मई को अब शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की यह प्रचंड जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं।